जिले के 166 सरकारी और निजी प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों की उपलब्धि का सर्वेक्षण 12 नवंबर को किया जाना है। देश भर में होने वाले इस सर्वेक्षण की तैयारी जिले में भी शुरू हो गई है। तीसरी, पांचवी और आठवीं और दसवीं के बच्चों के गणित, भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान को सीखने के स्तर से संबंधित सर्वेक्षण होगा। इस सर्वेक्षण में पिछले साल दरभंगा जिला पिछड़ गया था, उससे सीख लेते हुए इस बार जबरदस्त तैयारी है। इसी क्रम में सर्वेक्षण के दौरान बच्चों की उपलब्धि के प्रदर्शन के लिए 266 ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया है जो चयनित स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे कि कक्षा में बच्चों को बेहतर ढंग से तैयार कर सके। ऐसे चयनित 266 शिक्षकों का प्रशिक्षण रविवार को किलाघाट में हुआ। आइए उन्हीं से जानते हैं कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्या है। एक साथ एक स्वर में मैं बोलूंगा, उसको आप दोहराइएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ, मैं सब निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह शपथ फलाने का हर सब प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने फैलाने का भी हर सब प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत निष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद, जा रहे थे। ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये 2017 से अचीवमेंट शुरू हुआ। पूरे भारत में सेलेक्टेड विद्यालय के सेलेक्टेड क्लास और सेलेक्टेड स्टूडेंट ही उसमें भाग लेंगे। इससे क्या फायदा मिलने वाला? इसमें भारत सरकार अपना एक मूल्यांकन करती है, बच्चों का मूल्यांकन, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10 के बच्चों को मूल्यांकन। कुछ बेसिक क्वेश्चनायर रहते हैं और बेसिक क्वेश्चनायर स्कूल से अपने उसकी क्लास से भी कुछ इन्वायरमेंटल क्वेश्चन रहता है, कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन रहता है और ये एक सर्वे है बच्चों का कि उसके लर्निंग लेवल से लेकर के उसके व्यवहारिक का क्या आउटपुट आउटकम हो रहा है स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है। मेनली उसको ये फोकस करना और रेंडमली एक सर्वे करके एक रिपोर्ट जनरेट करना कि उसका परसेंटेज ऑफ लेवल, जैसे SST का भी होना है, साइंस का भी परीक्षा होना है, हिंदी का, अंग्रेजी का और मैथमेटिक्स का होना है, ये सब सारे सब्जेक्ट में उसका लर्निंग लेवल क्या है, तो लर्निंग लेवल में परसेंटेज क्या है, बच्चों का आउटकम जो भी है वो क्या है, एक तो ये हो गया बच्चे का, साथ साथ उस स्कूल के जिस क्लास का बच्चा का इवैल्यूएशन होगा उसके क्लास टीचर को भी इवैल्यूएशन करना देना है, उनको भी क्वेश्चनायर को भर करके देना है। सपोज क्लास 3 को करना है तो क्लास 3 के टीचर भी एग्जाम देंगे, उनके लिए भी क्वेश्चन है। क्लास 5 का है तो क्लास 5 के भी क्लास टीचर का भी एग्जाम देंगे। इस तरह से टीचर का भी इवैल्यूएशन है और साथ साथ तीसरा जो एग्ज़ाम है वह पूरे स्कूल प्रमाइसिस का भी, तो उसको कहते हैं SQ स्कूल क्वेश्चनायर, वो हेडमास्टर खुद देंगे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरा क्या है, स्कूल का क्या अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है, क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, ये सारा बेसिक चीज़ों का उनको उसमें सर्वे में अपना टिक मार्क करना और बताना। इस तरह से स्कूलों का मूल्यांकन
उस क्लास के क्लास टीचर का मूल्यांकन और उस क्लास के सिलेक्टेड बच्चे का मूल्यांकन, इस तीन तरह के मूल्यांकन हो रहा है। इसीलिए इसका भारत सरकार ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे नाम दिया। इसमें कितने टीचर भाग लिए होंगे ये ट्रेनिंग में? इस ट्रेनिंग में 266 FI को हम लोगों ने बनाया है। इसमें दो, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए दो लेवल जिला स्तर पर बना। एक लेवल है DNO, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, ये पदेन जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं। और दूसरा लेवल है हमारा DLC, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर। ये CBSE चूँकि इसको, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है, तो CBSE के एक स्कूल है यहाँ जेसस मैरी, उसके जो प्रिंसिपल है उनको DLC बनाया गया। तो हमारा पार्ट DNO का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर का। तो उनके रिगार्डिंग हम लोगों ने FI को फील्ड इन्वेस्टिगेटर का चयन किया है, जो जा कर के स्कूलों में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। DLC का काम है कि सीधे CBSE द्वारा क्वेश्चनायर सारा मटेरियल आएगा DLC के पास, और वहाँ वो ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हैं, तो ऑब्जर्वर लेकर के उस स्कूल में जाएगा। और ये कौन ऑब्जर्वर, कौन FI किस स्कूल में जाएंगे, किस स्कूल में कौन क्लास के कितने बच्चे का एग्ज़ाम होना है, ये सब भारत सरकार तय कर रहा है। और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट LOA में वो सारा वो मेंशन रहेगा, ऑब्जर्वर के भी लेटर में रहेगा और ये हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर के भी लेटर में मेंशन रहेगा। कुल कितने विद्यालय होंगे इसमें? हमारे यहाँ 166 विद्यालय का परीक्षा हो रही है। 166 में सरकारी भी है, एडेड भी विद्यालय है, संस्कृत मदरसा, और हमारा जिला में सेंट्रल स्कूल 3 है, एक जवाहरलाल ये नवोदय विद्यालय, दूसरा केंद्रीय विद्यालय 2 है। दोनों केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, ये तीनों सम्मिलित हैं। और उसके बाद से प्राइवेट स्कूल भी है। ये सब मिलाकर के 166 स्कूलों का सर्वे होना है। 12 नवंबर को होना है, इस 12 नवंबर को ये परीक्षा।